भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने रविवार को घाटसिला विधानसभा के केंदापोशी और घटीडूबा में छोटे छोटे सबर जरूरतमंदों के बीच अत्यधिक ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े का वितरण किया। साथ ही बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए फुटबॉल भी दिए ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ध्यान दें। मौके पर संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजकुमार सिंह ने कहा कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है, उसी के तहत हम बंगाल सीमा से 3 किलोमीटर पहले ग्रामीण क्षेत्र जैसे केंदापोशी और खुटीडूबा जैसे पहाड़ी इलाकों में सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों को ठंड में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज उन बच्चों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किए ताकि बच्चे को ठंड से दिक्कत ना हो और वहां पर मौजूद युवा को खेल में फुटबॉल भी दिया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य देव्यानी मुर्मू, भाजपा घाटसिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष कौशिक कुमार, उपाध्यक्ष विजय पांडे, उपाध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुखेन दास, उपाध्यक्ष सुभाष बनर्जी, भाजयुमो घाटसिला मंडल अध्यक्ष मंटू प्रजापति, सिद्धार्थ राज समेत काफी संख्या में ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। घाटसिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। समर टोला बस्ती है, यहाँ पर हम लोग गर्म कपड़ा बच्चे को देने का काम किया है। हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष, हमारे जिला के उपाध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर हैं साथ में, और हमारे समाज सेवी उपाध्यक्ष जितने भी मंडल के सारे सदस्यगण हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रसाद जी का समाज व्यक्ति तक जाकर सेवा करना, उसी के लक्ष्य के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिन और भी जहाँ जरूरत पड़ेगा कंबल का, गर्म कपड़ा का, हम लोग देने का काम करेंगे। दिवाली के मौसम में जब हम आए थे दिवाली के सीजन में, तो वहाँ पर लोगों को बोल के गए थे कि हम बच्चों को कपड़ा लेकर जरूर आएंगे। हम लोग आज हमारा निभाने का काम किया, ट्रेन के लिए वेटिंग में आ जा रहा है ऑफिस वाला, और आगे भी जो काम होगा हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व जिला उपाध्यक्ष जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह जी को, जिन्होंने मेरे क्षेत्र में सदर बच्चियों के बीच स्वेटर गर्म कपड़ा का वितरण किए हैं। और अभी से नहीं, 5-6 साल से हम उनको देख रहे हैं। तो जमशेदपुर में कभी पानी देने का काम करते हैं, तो कभी समस्तीपुर हर गाँव क्षेत्र में कम्बल गर्म कपड़ा देने का काम करते हैं। बहुत ही अन्य कार्य है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे ही जहाँ जरूरतमंद लोग हैं।